हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवेल्यूशन आईज। गाइस, वी आर हैप्पी टू सी यू बैक। सो गाइस, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी हमारी, और हमने डिसाइड किया था द हिंदू के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो पूरे एक साल में आए हो, ठीक है। सो हमने कल के जो टॉपिक्स डिस्कस किए वो टॉपिक्स थे न्यू स्टार ट्रीटी, हिमालयन हब, एक्सो प्लैनेट। सो गाइस, हमारा जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आ रहा है, सो उसमें है कि सर टॉपिक्स को आप एक्चुअली थीम वाइज लेके चलो। एक दिन अगर कवर कर रहे हो तो सारे 6-7 टॉपिक्स जो हैं इकॉनमी से हो, अगले दिन साइंस एंड टेक्स से हो। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम सारे टॉपिक्स को इसी तरीके से कवर करेंगे। सो कल आपने देखा कि हमने इन सारे मिसलेनियस टॉपिक्स को डिस्कस किया, लेकिन अब से हम कोशिश करेंगे कि हम टॉपिक्स को थीम वाइज लेके चलें। जैसे आज देखो, आज हमें सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। दीज आर मोस्टली इकॉनमी टॉपिक्स, उत्कर्ष है RBI के द्वारा, ऑपरेशन ट्विस्ट है, रूल्स ऑफ ओरिजिन, बाधवन पोर्ट, निर्भया फंड, ऑल दिस टॉपिक्स आर मोस्टली फ्रॉम इकॉनमी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, उत्कर्ष कैसे बेसिकली एक रोड मैप है, प्लान है RBI का, जस्ट टू इम्प्रूव द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द सेंट्रल बैंक। बेसिकली वर्ल्ड में जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा, जस्ट होल्ड ऑन, यस, ILNFS की क्राइसिस देखी, जो डेब्ट क्राइसिस हुई थी वहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे सेंट्रल बैंक का जो रोल है, RBI का रोल है, उसको थोड़ा सा और एक तरह से आप कह लो एग्रेसिव बनाना है, और थोड़ा सा एक्टिव रोल बनाना है, ठीक है, ताकि इस टाइप की क्राइसिस हम दोबारा ना देखें। तो ये सिंपली वन लाइन टाइप का क्वेश्चन होगा गाइस, उत्कर्ष, ठीक है, ये 2022 का है, 2022 तक के लिए था ये, ठीक है। सो नेक्स्ट है ऑपरेशन ट्विस्ट बाय RBI। बेसिकली एज पर डेफिनेशन, मैंने सोर्स जो पिक किया है, इन्वेस्टोपीडिया पिक किया गाइस, ये द हिंदू में आया था, ठीक है। ऑपरेशन ट्विस्ट इज ए मॉनिटरी पॉलिसी टूल यूज बाय सेंट्रल बैंक्स एम्ड एट स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू लोअर टर्म इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या स्ट्रेटजी, अब समझो क्या है कि जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज हैं, ठीक है, उनको सेल कर देना है, ठीक है, और जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म की जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेज कर लेना है, ठीक है। सो इसके पीछे का क्या, देखो गाइस ये थोड़ा सा देखो, मैंने आप लिखा है कि दिस इज अनकन्वेंशनल, व्हाई इट इज़ अनकन्वेंशनल आप आगे के स्लाइड्स में आप समझोगे, ठीक है, RBI के द्वारा। सो रिसेंटली RBI ने क्या किया है, ऑपरेशन ट्विस्ट को ऑन किया है। तो ये तो डेफिनेशन है, यहाँ से चीज़ें क्लियर नहीं होती। अगर बहुत इजी क्वेश्चन आ गया कि ऑपरेशन ट्विस्ट किसके द्वारा चलाया है, सो स्टेट पीसेस में पूछ सकते हैं, UPSC इतना इजी नहीं पूछेगी, ठीक है। तो हम इस सारे कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं। देखो पिछले साल क्या हुआ, 19 और 20 में RBI ने क्या किया, इस ऑपरेशन ट्विस्ट को कंडक्ट किया था, ठीक है। अब इसमें बेसिकली आपने पढ़ा होगा इकॉनमी में ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ठीक है, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जैसे हमने देखा अभी सेलिंग ऑफ नियर टर्म ट्रेजरी या शॉर्ट टर्म ट्रेजरी आप बोल सकते हो, लेकिन परचेज करना किसको, लॉन्ग टर्म वाले को। अब ये क्यों किया जा रहा है, आप इसको देखो, ठीक है, अंडर ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के बेसिक्स आई थिंक यू आर वेल अवेयर। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है इसकी, जो यील्ड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, जो यील्ड होता है, जैसे हम बोलते हैं ना क्रॉप्स में हाई यील्डिंग वैराइटीज जो ज़्यादा यील्ड आपको प्रोड्यूस करके दे, तो वैसे ही बॉन्ड्स के केस में क्या होता है, देखो द टर्म यील्ड डिनोट्स दैट बेनिफिट और इंटरेस्ट रेट ऑफ रेट ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड। तो कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो आपको इंटरेस्ट, जैसे मान लो आप एग्जांपल ले लो कि आपने, जैसे देखो एक गवर्नमेंट बॉन्ड है, ठीक है, 1000 रुपीज़ का, जो आपको हर साल 500 का इंटरेस्ट प्रोवाइड करते बाय द वे, तो अब वो क्या आपको 50% का यील्ड परसेंटेज दे रहा है, ठीक है। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ समझो, सॉरी होल्ड ऑन, यस, तो ये है आपका, होल्ड ऑन गाइस, यस, तो ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, जिसको यील्ड बोलते हैं। तो अब जस्ट होल्ड ऑन, या अब क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन RBI गोज फॉर बल्क बाइंग एंड बाइंग ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो अब इससे क्या होगा गाइस, आपने डिमांड सप्लाई के कॉन्सेप्ट को समझा इकॉनमी में, ठीक है। सो व्हाट इट विल डू, इट विल क्रिएट अ बिग डिमांड इन द मार्केट, देन व्हाट विल हैपन, एज अ रिजल्ट द प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विल इंक्रीज, ठीक है। तो जो भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, अब देखो आपने डिमांड बढ़ा दी तो क्या होगा, प्राइस उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जब प्राइस बढ़ जाएगा तो उसका यील्ड घट जाएगा, बिकॉज बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, ठीक है। तो अब जो होगा, ये साइमल्टेनियस जो बाइंग है सेलिंग है, इससे क्या होगा कि RBI कैन ब्रिंग डाउन द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो इसके जो रिपरकशंस हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी है किसके अंदर, ऑपरेशन ट्विस्ट के अंदर। तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो RBI का है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर चला जा रहा है। सो गाइस, अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं, सिक्योरिटी का जो यील्ड है वो क्या होता है,
फिर इस पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इंडिया रिज्यूम्स परचेज ऑफ मलेशियन पाम ऑयल। तो गाइस पाम ऑयल ये जून और अगस्त दोनों मंथ में न्यूज़ में था, ठीक है। हुआ क्या कि जब CAA के प्रोटेस्ट चल रहे थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के, तो उस टाइम पे मलेशिया ने स्टेटमेंट दिया था इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि मलेशिया से ऑयल इम्पोर्ट, जो पाम ऑयल के इम्पोर्ट थे, वो ब्लॉक कर दिए, ठीक है। तब वो मेंस के लिए इशूज़ हो सकते हैं, इंटरव्यू के लिए, प्रीलिम्स के लिए क्या है बस इतना ही हमारे काम का है। तो इंडिया का जो पाम ऑयल का इम्पोर्ट है गाइस, इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बायर ऑफ एडिबल ऑयल्स, ठीक है। और इस एडिबल ऑयल में से 2/3 कौन सा है, पाम ऑयल है, ठीक है। तो ये डेटा है, ये डेटा हमें मेंस में भी काम आएगा, लेकिन प्रीलिम्स में तो जरूर ध्यान रखना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक। सो मलेशिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल आफ्टर इंडोनेशिया। तो आपके पास दो कंट्रीज हैं, रैंक वन पे इंडोनेशिया, सेकेंड पे मलेशिया, ठीक है। अब देखो इंडिया मलेशिया रिलेशन में एक इंपॉर्टेंट आपको जो देखना है प्रीलिम्स के लिए, इकोनॉमिक रिलेशन में देखना है कि इंडिया एंड मलेशिया हैव साइंड कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन अग्रीमेंट, सेसा आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। इनके बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे इस बिकॉज टाइम इज़ रनिंग आउट, हम सारे चीज़ों को उतना डीप में नहीं जा सकते, ठीक है। सो आप थोड़ा सा सर्च कर लेना इसको, आप बेसिक्स यू आर वेल अवेयर, ठीक है। एक क्वेश्चन का आप आंसर दो यहाँ पे, इसका सही आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। सो हैव अ लुक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म्स मेंशन इन द न्यूज फ्रीक्वेंटली। UPSC prelims 2017 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का सोचो और आप आंसर दो। अगले टॉपिक पे आते हैं, अगला टॉपिक जो है EC के कॉन्टेक्स्ट में है। हैव अ लुक रूल्स ऑफ ओरिजिन वाज इन न्यूज एज पर WTO, इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। रूल्स ऑफ ओरिजिन आर बेसिकली द क्राइटेरिया नीडेड टू डिटरमिन द नेशनल सोर्स ऑफ अ प्रोडक्ट, सिंपल एज इट इज, ठीक है। न्यूज़ में क्यों है, देखो पहले रूल्स ऑफ ओरिजिन का यूज़ क्यों करते हैं हम, ठीक है, ताकि टू इम्प्लीमेंट द मेजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कमर्शियल पॉलिसी सच एज एंटी डंपिंग ड्यूटीज एंड सेफ गार्ड मेजर्स, ठीक है। टू डिटरमिन वेदर इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स शैल रिसीव मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट, MFN ट्रीटमेंट का आपने सुना होगा, जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी उसके आसपास इंडिया ने पाकिस्तान से MFN का स्टेटस छीन लिया था। फिर एक और कारण है जो जहाँ पर रूल्स ऑफ ओरिजिन यूज़ कर सकते हुए गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए, ठीक है। सो ये बेसिक्स हैं गाइस। सो अब इन न्यूज़ में इसलिए था कि कैरोटार रूल्स 2020 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या इंट्रोड्यूस किया था, तो इसे कंट्री ऑफ ओरिजिन रूल्स भी कहते हैं गाइस। इसके फुल फॉर्म में आओ द कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन अंडर ट्रेड अग्रीमेंट्स रूल 2020 या कैरोटार 2020। क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, जस्ट टू असिस्ट कस्टम अथॉरिटीज इन द स्मूथ क्लियरेंस ऑफ लेजिटिमेट इम्पोर्ट्स अंडर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स। जैसे मान लो इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है किनके साथ साथ, जापान, साउथ कोरिया, एशियन के साथ साथ, तो अब इनके साथ जो भी ट्रेड है तो वहाँ पे आपको कस्टम अथॉरिटीज़ को ये हेल्प हो जाएगी इस रूल के आने के बाद में। इसके बहुत सारे जो प्रोविजन्स हैं वो मेंस के लिए, लेकिन ये रूल किस कॉन्टेक्स्ट में है यहाँ पे बस आप देख लो, ठीक है। सो यस, ये जो रूल्स है तो इसमें होगा क्या, इम्पोर्टर्स विल हैव टू इंश्योर दैट इम्पोर्टेड गुड्स मीट द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, फॉर एवेलिंग कॉन्सेशनल रेट ऑफ कस्टम्स अंडर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। तो यहाँ पे बस इसका कॉन्टेक्स्ट समझ लो गाइस कि ये रूल्स ऑफ ओरिजिन या कैरोटार है, ठीक है, एक किनको हेल्प करने वाला है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, दैट्स इट। इतने पे क्वेश्चन बनेगा, बिलीव मी से डीप क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखो अब चीज़ों को क्या किया गया कि थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट करने के लिए बनाने के लिए ये कैरोटार को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका इम्पैक्ट आएगा कैसे, न्यू रूल्स विल मेक द इम्पोर्टर टू करेक्टली एसर्टेन द कंट्री ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे देखो बहुत नुकसान थोड़ा हो रहा था इंडिया को बिकॉज कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ वगैरह न्यूज़ में आई थी, सो दैट्स वाई रूल्स को थोड़े और रिस्ट्रिक्ट बनाए गए, एंड टू असिस्ट कस्टम अथॉरिटीज इन स्मूथ क्लियरेंस ऑफ लेजिटिमेट इम्पोर्ट्स अंडर FTAs, ठीक है, एंड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री को थोड़ा सा शील्ड करने के लिए, बचाने के लिए थोड़ा सा ही इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये सारे बेसिक रीजन है जो मेनली मेन्स में काम आएंगे, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा डाल दिया बिकॉज आपको ये ना लगे कि बस ऊपर से हुआ है। सो ये सारे प्रोविजन हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए गाइस, ठीक है, कैरोटार रूल्स कंट्री ऑफ ओरिजिन, दैट्स इट। नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस, वाधवन पोर्ट इंडिया का 13वां मेजर पोर्ट बन के आ गया है। कहाँ पे गाइस ये बन, मतलब इट्स इन प्रोग्रेस स्टिल। सो लोकेशन है गाइस महाराष्ट्र का, एंड इट्स ए कंटेनर पोर्ट, मीन्स
port which specializes in the handling of goods transported in containers. Containers, आप समझ रहे हो ना, तो ये स्पेशल टाइप के पोर्ट्स होते हैं. तो पोर्ट विल बी डेवलप्ड एज ए लैंड लॉर्ड मॉडल. अब यूपीएससी आपसे पूछे कि लैंड लॉर्ड मॉडल रिसेंटली सीन इन न्यूज, इट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉट. तो देखो, अब लैंड लॉर्ड मॉडल में बेसिकली क्या होता है, द पब्लिकली गवर्न पोर्ट, जिस देखो अथॉरिटी क्या होगी, या फिर कोई भी और मॉडल में आप देख लो, कोई भी और इनिशिएटिव में आप इसको देख सकते हो कि पब्लिकली गवर्न पोर्ट अथॉरिटी एक्ट्स एज रेगुलेटरी बॉडी, और इसे लैंड लॉर्ड कह सकते हो आप उसको, वो लैंड लॉर्ड की तरह है. लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज हैं दे कैरी आउट द पोर्ट ऑपरेशंस, ठीक है. सो लैंड लॉर्ड कौन है, जो पब्लिकली गवर्न जो पोर्ट अथॉरिटी है वो लैंड लॉर्ड है, ठीक है. तो ये लैंड लॉर्ड मॉडल इसके कॉन्टेक्स्ट में है. अब यहाँ पे एक डेटा है गाइस कि इंडियाज 95% ऑफ ट्रेडिंग बाय वॉल्यूम इज डन थ्रू मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट. सो इट स्टैंड्स एट 70% बाय वैल्यू और वॉल्यूम देख रहे हो. तो 70% जो वैल्यू है इंडिया के पोर्ट का, इंडिया के ट्रेड का, वो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है. अब इंडिया के पास 13 पोर्ट्स हैं और 6 और फंक्शन में बनने वाले हैं अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट. आई थिंक यू आर वेल अवेयर सागरमाला प्रोजेक्ट क्या है गाइस. इंडिया के कोस्टल एरियाज को एक चेन के थ्रू, पोर्ट्स की चेन, रेल्स, रोड्स, बहुत सारी चीज़ें डेवलप करनी है, वो सागरमाला के अंदर है. तो उसके उतनी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बस आप इतना याद रखना सागरमाला प्रोजेक्ट इसके कॉन्टेक्स्ट में. देखो एक लिस्ट भी देख लेते हैं कि जो जैसे पोर्ट न्यूज़ में आया कि 13th मेजर पोर्ट बन गया, और द हिंदू में कम से कम 6-7 बार आया है न्यूज़ में. सो दैट्स वाई आप एक वीडियो को पॉज करके आप देखो, बिकॉज सेम चीज़ को मैं रिपीट करने का क्या मतलब है, बिकॉज आप वीडियो को पॉज करके देखना कि जितने पोर्ट्स हैं मैंने सबकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डाल दिया है, कौन से स्टेट में है, इंडिया के कौन से कोस्ट पे है उनकी. जैसे अब मान लो कि ईस्टर्न कोस्ट पे वेस्ट बंगाल है. वैसे यूपीएससी पहले पूछती थी ऐसे क्वेश्चन जैसे डायमंड हार्बर क्या है, कहाँ पे है, बट अब थोड़ा यूपीएससी अगर एक तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ ले सो यू कैन नॉट डिनाई. सो यस, आप वीडियो को पॉज करके जो ऑल 13 के 13 है सबको देख लेना. देखो हमने 13 वाले वाधवान पोर्ट को तुमने देख लिया, बाकी जो 12 हैं उन सबको एक एक बार देख लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है. सो लेट्स प्रोसीड गाइस. लास्ट टॉपिक है निर्भया फंड. देखो 2012 का जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था गाइस कि एक डेडिकेटेड फंड सेटअप किया जाए जो कि नॉन लैप्सेबल होगा फॉर इम्प्रूविंग द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ द वुमेन. उसका निर्भया फंड नाम दिया मीनिंग फेयरलेस. सो यस, इसके अंदर 3 स्कीम्स थी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इम्प्लीमेंट करना था. वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलंटियर्स, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन. सो दीज थ्री स्कीम्स, वन स्टॉप सेंटर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन, महिला पुलिस वॉलंटियर, ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आती है जो निर्भया फंड के अंदर है बेसिकली, ठीक है. एंड जस्ट 2 स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आर एज फॉलोज. देखो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम एंड सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड. तो ये 2 स्कीम्स अलग है और निर्भया फंड के अंदर ये दोनों आती हैं, ठीक है. आप मिनिस्ट्री यहाँ पर याद रखना, बिकॉज जब स्टेटमेंट यूपीएससी डालेगी इन क्वेश्चन पर तो मिनिस्ट्री के नाम से आपको कन्फ्यूज़ कर सकती है. सो मिनिस्ट्रीज को आप यहाँ पर देख लेना एक बार. अब देखो निर्भया फंड की डिटेल्स में अगर आओ तो इट प्रोवाइड्स फॉर ए नॉन लैप्सेबल कॉर्पस एडमिनिस्ट्रेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है. अब इट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू वुमेन सेफ्टी, ठीक है. देखो न्यूज़ में क्या था, निर्भया फंड का यूज़ हो रहा था सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड के लिए, ठीक है. तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप एक क्वेश्चन का आंसर दो. हैव अ लुक, द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज नोडल मिनिस्ट्री इन्वॉल्व इन अप्रेजिंग, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ दो स्कीम्स सैंक्शन अंडर निर्भया फंड, राइट. ये पहला स्टेटमेंट है. सेकेंड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ वुमेन हेल्पलाइन इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. सेकेंड, थर्ड स्टेटमेंट, सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है. फोर्थ इज
Nirbhaya Fund was set up in 2010 with a focus on implementing the initiatives aimed at improving the security and safety of children in India. Guys, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर दो. गाइस का सही आंसर होगा ए. ठीक है, कैसे, जस्ट होल्ड ऑन. अनफॉर्चुनेटली जो जो निर्भया केस हुआ था दैट वाज इन 2012. ठीक है, सो इस तरीके से ये सारे ऑप्शंस हो जाते हैं एलिमिनेट, आप रियल ऑप्शन तक पहुंच जाते हो, दैट इज वन एंड टू. तो देखो सी जो है सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड, होल्ड ऑन, या सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड इज अ स्कीम इम्प्लीमेंटेड, इट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ठीक है, आपने इधर देखना है, सेंट्रल विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आप यहाँ देखो. ठीक है, सो गाइस जो क्वेश्चन स्टार्ट में हमने देखा था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, WTO के कॉन्टेक्स्ट में है, जैसे रूल्स ऑफ ओरिजिन पे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स. UPSC को WTO से खास ही लगाव है, WTO से, UNESCO से. ठीक है, तो इन पे आप थोड़ा फोकस करना, PYQs में आप देखोगे तो इन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछती है UPSC. सो गाइस जो कल के टॉपिक्स हैं, कल के टॉपिक्स सारे के सारे साइंस एंड टेक से हैं, DNA बिल, DNA बैंक्स, मानव ह्यूमन एटलस, तो ये सारी लिस्ट है. अब हमने डिसाइड किया कि एटलीस्ट एक वीडियो में 10 टॉपिक्स आएंगे और सारे के सारे टॉपिक्स ऑलमोस्ट एक थीम के साथ होंगे, जैसे इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, IR, स्कीम्स. सो उस तरीके से हम लेके चलेंगे गाइस. सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, कमेंट कीजिए हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं, और हाँ जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसके आंसर जरूर दीजिएगा. ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे.